feeling lost in this volatile market? Don't worry, I have got covered you. आज की ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में एक पावरफुल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कॉल्ड स्ट्रैंगल, हम लोग स्ट्रैंगल को सीखेंगे. एंड स्ट्रैंगल वो स्ट्रैटेजी है विच कैन गिव यू मनी इन आइदर डायरेक्शन. मार्केट ऊपर गया, यू कैन मेक मनी. मार्केट नीचे आया, यू कैन मेक मनी. मार्केट एक जगह में खड़ा है, यू कैन मेक मनी. सो वेलकम टू माई चैनल रोनाकुल. मैं नरेंद्र नाथ दास हूँ एंड टूडे वी आर गोइंग टू डाइव इन टू दी पावरफुल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कॉल्ड स्ट्रैंगल. लॉन्ग स्ट्रैंगल को भी हम लोग सीखेंगे, शॉर्ट स्ट्रैंगल को भी हम लोग सीखेंगे. इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन सी सर्कमस्टेंस पे हमें वो स्ट्रैंगल जो स्ट्रैटेजी से डिप्लॉय करना चाहिए वो भी सीखेंगे. टेक्निकल सिनेरियो क्या होना चाहिए, किस टाइप के न्यूज मार्केट में होना चाहिए, हम लोग वो भी देखेंगे. बहुत ही एक पावरफुल स्ट्रैटेजी होगा. रिटेल ट्रेडर्स अगर ठीक ठाक एम्प्लॉय कर पाए ये स्ट्रैटेजी को तो कॉन्सिस्टेंटली एक अर्निंग ऑप्शन से निकाल सकते हैं. सो थोड़ा ध्यान से ये कंप्लीट वीडियो को देखिए. आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा. अगर आपको अच्छा लगता है एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड यस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी आपको मेरा चैनल पे मिलता रहेगा. चलिए कंप्लीट वीडियो को देखते हैं. ऑप्शन स्ट्रैटेजी स्ट्रैंगल एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रहा था अभी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे. अगर हमें ये सारा चीज पता होता है तो स्ट्रैंगल हमें एक कॉन्सिस्टेंट अर्निंग दे सकता है. थोड़ी सी सेफ है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा है, रिस्क थोड़ा सा कम है. सवाल है व्हाट इज ए स्ट्रैंगल. स्ट्रैंगल है क्या चीज. Strangle is an option trading strategy that involves simultaneously buying or selling both of call and put option of the same underlying, same expiry but different strike price. मतलब क्या है, मान लीजिए ये जो strangle आप कब बनाएंगे वो मैं आ रहा हूं. आपको call and put दोनों buying करना है. मैंने आप लोगों को एक straddle सिखाया था, in depth में मैंने straddle सिखाया था. एंड आप अगर वो स्ट्रैंगल को रियलाइज किया कि स्ट्रैंगल कैसे बनाते हैं, स्ट्रैंगल समझना आपके लिए बहुत ही आसान है. एंड आप अगर मेरा वो स्ट्रैंगल की वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो मैं लिंक दे देता हूं इस पे, स्ट्रैंगल की वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है. एंड आप अगर स्ट्रैंगल समझते हो, स्ट्रैंगल आराम से समझ जाओगे. स्ट्रैंगल में हम लोग करता क्या हूं, एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट दोनों बाई करता हूँ. हमें लगा ह्यूज वोलेटिलिटी आएगा तो एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट दोनों बाई करता हूँ, बट उसके कुछ यू नो ड्रॉबैक है जो कि मैंने स्ट्रैंगल पे मैंने बताया. ह्यूज ह्यूज वोलेटिलिटी होना चाहिए. हम लोग जो वहां पे प्रीमियम पे करता हूँ ना, दैट इज ह्यूज. अब आपको आपको लगा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी यू नो काफी ज्यादा होगा, बट आप स्ट्रैंगल जैसे उतनी लंबा रिस्क लेना नहीं चाहते, देन क्या करना है, देन आपको स्ट्रैंगल करना है. स्ट्रैंगल में भी क्या होता है, कॉल एंड पुट की दोनों की बाइंग होता है, और शॉर्ट स्ट्रैंगल अगर करेंगे कॉल एंड पुट दोनों सेल होता है, बट यहाँ पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस. स्ट्रैंगल में क्या होता था, सेम स्ट्राइक प्राइस बाई होता था या सेम स्ट्राइक प्राइस सेल होता था. स्ट्रैंगल में डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस कॉल एंड पुट आइदर दोनों बाई होगा, उसे लॉन्ग स्ट्रैंगल बोलेंगे, या तो कॉल एंड पुट दोनों सेल होगा डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का, जिसे हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलेंगे. इन केस ऑफ स्ट्रैंगल वी चूज एटीएम कॉल एंड पुट ऑप्शन. आप अगर स्ट्रैंगल करेंगे, मैंने बताया था स्ट्रैंगल की वो वीडियो में, देख लीजिए एक बार. हमें वहां पे एटीएम कॉल या पुट सिलेक्ट करना होता है, चाहे आप लॉन्ग स्ट्रैंगल करें या शॉर्ट स्ट्रैंगल करें. बट यहां पे क्या करोगे, हियर इन स्ट्रैंगल वी चूज ओटीएम कॉल एंड पुट ऑप्शन फॉर बाइंग और सेलिंग. आपको आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट पे जाना चाहिए. इट इज सिमिलर स्ट्रैटेजी लाइक स्ट्रैंगल बट लेस रिस्की इज इन्वॉल्व. इस पे रिस्क थोड़ा सा कम होता है. अब ये लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या चीज है, मैंने बताया दो टाइप के स्ट्रैंगल है. लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या चीज है. लॉन्ग स्ट्रैंगल व्हेन वी बाय OTM call and OTM put option together, दोनों एक साथ buy करेंगे, OTM call को भी buy करेंगे, OTM put को भी buy करेंगे, at a of a same time
टुगेदर ऑफ ए सेम अंडरलाइन आप अगर निफ्टी में स्ट्रेंगल करना चाहते हो तो निफ्टी की कॉल एंड निफ्टी की पुट बाई करो, दोनों ओटीएम सेम एक्सपायरी होना चाहिए, इसे हम लोग लॉन्ग स्ट्रेंगल बोलेंगे, बट दोनों आउट ऑफ द मनी, कॉल भी आउट ऑफ द मनी बाई करेंगे एंड पुट भी आउट ऑफ द मनी बाई करेंगे, मतलब आपका स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट हो गया। एंड व्हेन मार्केट वोलेटिलिटी इज हाई एंड अनप्रेडिक्टेबल, आपको समझ में नहीं आ रहा है मार्केट में मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बट यू फील कि वोलेटिलिटी काफी हाई है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी भी काफी हाई है, मार्केट वोलेटिलिटी हायर है एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है, समझ में नहीं आ रहा है नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। यू आर एवेटिंग फॉर सम न्यूज, न्यूज अगर फेवर में आया मार्केट भागेगा, न्यूज अगर अगेंस्ट पे आया मार्केट नीचे जाएगा, ये सिनेरियो भी हो सकता है। ऐसे वक्त पे क्या करेंगे, नॉर्मली वी बाई एन ओटीएम कॉल ऑप्शन, एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन भी बाई करेंगे एंड एट द सेम टाइम एन ओटीएम पुट ऑप्शन टू, एक ओटीएम पुट ऑप्शन को भी हम लोग बाई करेंगे, ये लॉन्ग स्ट्रैंगल होता है। वी डू दिस व्हेन डायरेक्शन इज नॉट क्लियर, हमें डायरेक्शन पता नहीं है बाजार किधर जाएगा, अंडरलाइन मेरा कौन सी साइड पे जाएगा वो मुझे पता नहीं है, बट आइदर साइड वी आर एक्सपेक्टिंग ए बिग मूव, तो व्हेन टू डिप्लॉय दिस लॉन्ग स्ट्रैंगल, आपको लग रहा है आइदर साइड जा सकता है, यू आर एक्सपेक्टिंग ए बिग मूव, किसी एक साइड में ऊपर जाएगा मार्केट या अंडरलाइन ऊपर जाएगा या अंडरलाइन नीचे आएगा, आप एक बिग मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो बट यू डोंट नो कि क्लियरली किधर जाएगा, कॉल बाई करेंगे बाई चांस नीचे आ गया तो लॉस हो जाएगा, ओनली पुट बाई करेंगे बाई चांस ऊपर भाग गया तो लॉस हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, ये टाइम पे स्ट्रेंगल फ्रूटफुल या इफेक्टिव हो सकता है। अब सवाल ये है मेरा टेक्निकल सिनारियो क्या होना चाहिए, वो टेक्निकल सर्कमस्टेंसेस क्या होना चाहिए, चलिए वो देखते हैं। आफ्टर ए सिग्निफिकेंट रैली और डिक्लाइन, प्राइस ऊपर जा रहा है रैली और नीचे आ रहा है डिक्लाइन, फाइंड ए बिग फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर चलते 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 नॉर्मली प्राइस में बुलिशनेस है, सडनली एक बिग फाइट, एक कैंडल या दो कैंडल, आई डोंट नो कितनी कैंडल, आपको वो कैंडल बता रहे हैं देयर इज ए बिग फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, चलो कुरुक्षेत्र की लड़ाई होने लगा है, आज का रात हो गया कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट डे आइदर साइड डायरेक्शन हो सकता है, जो जीता वो सिकंदर, अगर फिर से पॉजिटिव हो गया मार्केट ब्रेकआउट लेकर भागेगा, और अगर वो कैंडल के नीचे वो एरिया के नीचे क्लोज हो गया मार्केट तेजी से गिरेगा। सो टेक्निकल सिनेरियो क्या देखेंगे, आफ्टर ए सिग्निफिकेंट रैली और डिक्लाइन, एक सिग्निफिकेंट रैली हो रहा था या डिक्लाइन, या तो मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, अब ऐसे में बॉटम में देखें देयर इज ए बिग फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, पहले साइकोलॉजी बियरिश था, अभी क्या हो गया उस पे, देयर इज ए फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, मारपीट हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, शाम हो गया जो होगा कल देखेंगे, आज के मार्केट में जो क्लोज आया वो कैंडल क्लियरली बता रहा है देयर इज ए गुड फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, वॉल्यूम वॉल्यूम वगैरह चेक कर लीजिए, एंड अगले दिन जो जीता वो सिकंदर, बट कौन जीतेगा आपको पता नहीं है, कौन जीतेगा आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, कॉल भी बाई करके घर जाओ, पुट भी बाई करके घर जाओ, जो जीता वो सिकंदर, आप उसके साथ रहोगे। क्या सिनारियो, मान लीजिए ऐसे ग्रीन कैंडल पे जा रहा था और मैंने जो लास्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे ड्रॉ किया, क्या देख रहे हो, टॉप पे भी काफी लंबा टेल है, बॉटम पे भी काफी लंबा टेल है, बट दिस इज नॉट दी स्पेसिफिक कैंडल, सिर्फ ऐसा होना चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है, वो साइकोलॉजी कैंडल में ढूंढो, यू मस्ट नो दी कैंडल, अगर आप कैंडल नहीं जानते हो देन यू डोंट हैव एनी राइट टू ट्रेड ऑप्शन, पहली बात आपके राइट ही नहीं है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कैंडल, और वो कैंडल में ये क्लियरली विजिबिलिटी होनी चाहिए, कैंडल की इस कैरेक्टर में विजिबिलिटी होना चाहिए, देयर वॉज ए बिग फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर, कैंडल वॉल्यूम को मैच करो, अभी इसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, दोनों हो सकता है, अगर ब्रेकआउट हो गया कॉल ऊपर भागेगा, आपने जो कॉल परचेस किया वो आपको प्रॉफिट देने वाले हैं और आपने जो पुट परचेस किया वो पुट नीचे आने वाले, बट ब्रेकआउट होगा तो तेजी से भागेगा, कॉल फास्टर पैसा देगा, पुट स्लोअर पैसा लेने वाले है, ओवरऑल में आप प्रॉफिट करोगे,
या तो मान लो इसके नीचे वो नीचे आ गया, ब्रेकडाउन हो गया, कॉल आपका गिरने लगेगा, पुट आपका फास्टर बढ़ने लगेगा, पुट प्रॉफिट देगा, कॉल आपका लॉस देने वाले है, बट पुट फास्टर ऊपर जाएगा, आपका यहाँ पे प्रॉफिट होने वाले है। या तो मान लीजिए प्राइस ऐसे नीचे आ रहा था एंड आपने देखा देयर इज ए बिग फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर, बहुत ही फाइट हो रहा है, अभी काल क्या होगा, जो जीता वो सिकंदर। मैंने जो कैंडल ड्रॉ किया ये जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे ड्रॉ किया, यस ये कैंडल ऑब्वियसली ये डिसाइड करते हैं कि देयर इज ए बिग फाइट बिटवीन बुल्स, बिटवीन द बुल्स एंड बियर्स, एंड आपको ऐसा ही कोई चीज आइडेंटिफाई करना है, टेक्निकली एक बिग फाइट हो चुका है बुल्स एंड बियर्स के बीच में। कब? आप जब ये स्ट्रेंगल करोगे बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, सामने इलेक्शन के रिजल्ट है, आरबीआई पॉलिसी है, फेड की मीटिंग है, ऐसे इस टाइप की इवेंट नहीं है, इवेंट नहीं है, नॉर्मल टेक्निकल के बेस पे ट्रेडिंग करोगे, देन टॉप पे या बॉटम पे देयर मस्ट बी ए सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ ए फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, तब हमें पता लगेगा जो जीता वो सिकंदर, अगला दिन मेरा स्ट्रेंगल काम करने वाली, या तो वेरी नेक्स्ट डे मेरा और अनदर डे के बाद स्ट्रेंगल मेरा काम कर जाएगा। ये वो टेक्निकल सिनेरियो होता है व्हेन वी शुड एम्प्लॉय ए लॉन्ग स्ट्रेंगल, एंड विदाउट दिस टेक्निकल सिनेरियो स्ट्रेंगल करोगे तो बहुत मुश्किल है। मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा क्यों बोल रहा हूं बहुत मुश्किल है, फेवर में नहीं आएगा, बिकॉज ये बिग मोमेंटम पे मिलता है। अब सवाल ये सिलेक्टिंग द स्ट्राइक प्राइस ऑफ स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल की स्ट्राइक प्राइस क्या सिलेक्ट करेंगे आप अगर लॉन्ग स्ट्रेंगल करेंगे तो? चलिए एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, लेट अस एज्यूम निफ्टी ट्रेडिंग एट 22,000 एंड इट इज नाउ अर्ली टाइम ऑफ द वीकली एक्सपायरी, ठीक है आज का मार्केट क्लोज हो गया एंड चलो कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे आप देख रहे हो, जस्ट वीकली एक्सपायरी की शुरुआत है, सो आपके सामने अभी 7 दिन है। अभी आप अगर नॉर्मल जाएंगे देन लॉन्ग निफ्टी 22,200 CE और 22,300 CE, थोड़ा दूर में बताया क्यों। आप अगर कॉल पे जाएंगे 22,200 या 300, और अगर आप 200 की कॉल की बाई कीजिए एंड 21,800 की पुट बाई कीजिए, ये कॉम्बिनेशन होगा 200 पॉइंट डिफरेंस का, या तो 300 पॉइंट्स की डिफरेंस पे जाइए। द रीजन इज एज इट इज अर्ली इन द एक्सपायरी द प्रीमियम ऑफ ऑप्शन ऑफ द ऑप्शन विल बी हाई, और आप जब स्ट्रैंगल करोगे लॉन्ग करोगे यू आर गोइंग टू पे प्रीमियम, कॉल भी बाई किया यू आर गोइंग टू पे प्रीमियम, पुट भी बाई किया यू आर गोइंग टू पे प्रीमियम, सो कॉल पुट दोनों बाइंग किया यू आर गोइंग टू पे प्रीमियम, एंड अर्ली इन द एक्सपायरी इसकी जो टाइम वैल्यू है या ऑप्शन की जो प्रीमियम है, प्रीमियम रिमेन हाई, मतलब यू आर गोइंग टू पे हायर प्रीमियम, आपकी जो नेट प्रीमियम पेड होगा नेट प्रीमियम पेड विल ऑल्सो बी हाई। सो क्या होगा अगर नेट प्रीमियम हाई होता है, आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो काफी इंक्रीज हो जाएगा, बोथ साइड निफ्टी ऊपर गया तो काफी लंबा ऊपर जाना पड़ेगा तब जाकर आपका प्रॉफिट शुरू होगा, और निफ्टी अगर नीचे आया तो काफी लंबा डिक्लाइन होना पड़ेगा तब जाकर आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो व्हेन इट इज अर्ली इन द एक्सपायरी, नॉर्मली मैं मना करता हूं अर्ली इन द एक्सपायरी में स्ट्रेंगल करना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रेक इवन इतनी लंबा हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है यहां से पैसा कमाना। चलिए मैं दिखाऊंगा कैलकुलेट करके। नाउ एज यू निफ्टी ट्रेडिंग वही 22,000 पे ट्रेडिंग हो रहा है, बट एक या दो दिन बाकी है एक्सपायर होने में, बस एक दो दिन बाकी है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आइदर साइड का एक मोमेंटम मिलेगा, सो क्या करेंगे नॉर्मली 100 पॉइंट की जस्ट आउट ऑफ द मनी में जाइए, कॉल भी 100 पॉइंट पे आउट ऑफ द मनी, पुट भी 100 पॉइंट पे आउट ऑफ द मनी, सो आप क्या करना कर सकते हो लॉन्ग निफ्टी 22,100 की कॉल ऑप्शन एंड लॉन्ग निफ्टी 21,900 की पुट ऑप्शन एट द सेम टाइम। नाउ द प्रीमियम हैज रिड्यूस्ड ऑलरेडी, टाइम गया, रात गई बात गई, टाइम बीत गया, टाइम वैल्यू कम हो गया, अभी जो 100 पॉइंट की जो आउट ऑफ द मनी है ना 30-40 रुपये में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30-30, 20-25 ऐसे में आपको मिल जाएगा एक या दो दिन अगर है,
मैक्सिमम 30-40 रुपये में आपको मिल जाएगा। सो आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा रीजनेबल हो जाएगा एंड दस यू कैन मिनिमाइज योर रिस्क। सो स्ट्राइक सिलेक्शन, आप किसी भी ओटीएम पे जा सकते हो, स्ट्राइक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंगल। अगर स्ट्राइक सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, टाइमिंग ठीक ठाक नहीं कर पाओगे, कैच आउट हो जाओगे या रन आउट हो जाओगे। अब एग्जाम्पल ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रैंगल, मान लीजिए अभी निफ्टी ट्रेडिंग एट 22,000, आपने क्या किया, बाई किया निफ्टी 22,200 की कॉल बाई किया एंड पेड ए प्रीमियम ऑफ 30 रुपी, एंड आपने निफ्टी 21,800 की पुट भी बाई किया, पेड ए प्रीमियम ऑफ 25 रुपी। लेट मी अज्यूम अभी 1 या 2 दिन बाकी है, 200 पॉइंट की ओटीएम पे गए हो, बस बुधवार आप कर रहे हो ऐसे। लेट मी अज्यूम जैसे जैसे एक्सपायरी सामने आएगा ऐसे प्राइस कम होते जाएगा, आपने टोटल प्रीमियम कितनी पे किया। हमें वो देखना है व्हेन आई एम डूइंग दिस थिंग, सबसे पहले देखिए द प्रीमियम व्हाट आई एम गोइंग टू पे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपने जो सेम डिफरेंस की स्ट्राइक प्राइस चूज के उस पे 55 रुपए की प्रीमियम दे दिया, इसका मतलब ये है आपका ब्रेक इवन क्या होगा इफ निफ्टी मूव अप। आपने कॉल कौन सी बाई किया, 22,000 की स्ट्राइक बाई किया, 22,200। सो ब्रेक इवन कॉल ऑप्शन के जो ब्रेक इवन होता है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ब्रेक इवन इस ट्रायंगल की ब्रेक इवन होगा अगर आप ऊपर, अगर निफ्टी ऊपर गया तो। क्यों, बिकॉज पुट गोइंग टू स्नैचेस हैव योर मनी, लॉस देगा, कॉल पैसा देने वाले हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट 22,200 स्ट्राइक प्राइस प्लस 55, मतलब 22,255, 200 पॉइंट ऊपर की आउट ऑफ द मनी बाई किया। बट आपका प्रॉफिट शुरू कब होगा एक्सपायरी के दिन में, अबाव 22,255, मतलब एक बिग मूव मिलना चाहिए, एक बिग मूव मिलना चाहिए। आप सोचिए आर्ली इन दी एक्सपायरी पे आप 22,200 की कॉल पे गए हो और एंड यू आर पेइंग ए प्रीमियम ऑफ 100 रुपी, पुट पे प्रीमियम पे किया अनदर 100 रुपी, मतलब अब 200 रुपए की प्रीमियम पे करोगे आर्ली इन दी एक्सपायरी। मान लीजिए फ्राइडे, टुमारो यू आर गोइंग टू वाइट, फ्राइडे आप ये करोगे 200 रुपए की प्रीमियम पेमेंट किया लॉन्ग स्ट्रैंगल में, कौन सी स्ट्राइक बाई किया 22,200 की कॉल। सो निफ्टी अगर ऊपर भाग गया अगले वीक पे क्या होना चाहिए पता है, 22,400 एंड अबव अगर निफ्टी क्लोज होता है, 400 पे अगर क्लोज होता है, आपको आपका इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा। सोचिए अगर आप आर्ली इन दी एक्सपायरी में करेंगे, मान लीजिए ये कॉल बाई करने में यू पेड ए प्रीमियम ऑफ 100 रुपी और ये पुट बाई करने में भी दे दिया 100 रुपी, आपके जेब से 200 रुपी निकल गया। एंड इफ यू वांट इट बैक नेक्स्ट वीक पे आपके कॉल साइड पे, इफ निफ्टी मूव अप, आपके ब्रेक इवन होगा 22,200 की कॉल प्लस 200 की प्रीमियम, मतलब अगर वो 22,400 पे क्लोज होता है तब जाकर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा। अभी कहाँ पे है 22,000। अभी सोच रहे हो कि निफ्टी 400 पॉइंट इतनी वोलेटिलिटी है ऊपर जा सकता है, मुझे पर्सनली लगता है इट्स सिंपल बेवकूफी को छोड़कर और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तब ऐसे एक्सपेक्ट करोगे ठीक है 400 पॉइंट मैक्सिमम, ठीक है ओके भाई, अगर ऐसा होता है ना आप वीकली 2% आप यू नो एक्सपेक्ट करोगे 52 वीक पे, कैन यू इमेजिन कितनी आप हो सकता है वीकली 2%, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ईयरली निफ्टी में 110% से भी ज्यादा आप हो जाएगा, हर साल में निफ्टी डबल बनेगा, ऐसे होता क्या, नहीं होता है ना। सो स्ट्रैंगल आर्ली इन दी एक्सपायरी में आप अगर करोगे आप फंस जाओगे, गारंटी दे सकता हूं 52 वीक में से 1 वीक या 2 वीक आपको लगेगा, चलो 5 वीक भी अगर आपको लग गया 5 वीक लगेगा, बाकी के 47 वीक इट विल टेक अवे मनी फ्रॉम यू। सो स्ट्रैंगल आर्ली इन दी एक्सपायरी में करोगे तो मरोगे, सिंपल मरोगे। दूसरी चीज, सो हमें जो फोकस करना चाहिए, मैं कब कर रहा हूं अर्ली इन दी एक्सपायरी या एक्सपायरी के एंड पे, एक्सपायरी के एंड पे ये हमारे लिए प्रेफर्ड है। अब मान लीजिए आपने ये बाई किया था और निफ्टी नीचे आने लगा तो क्या होगा, ब्रेक इवन इफ निफ्टी फॉल, क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन इक्वल माइनस प्रीमियम पेड, ये पुट की ब्रेक इवन की फॉर्मूला होता है। आई होप कि आप लोग फॉर्मूला जानते हो, अगर नहीं जानते हो ब्रेक इवन वाला पार्ट कोई एक वीडियो बनाऊंगा
वहां पे आप लोग वो सीखोगे। अगर वो सीखोगे देन क्या होगा, आगे जाकर निफ्टी कहीं पे भी क्लोज हो आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। इवन ब्लैक एंड स्कॉल मॉडल भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा, तब जाकर इफ निफ्टी क्लोज ईयर मेरा क्या होगा कल, या इफ निफ्टी क्लोज ईयर तेरा क्या होगा कल, या ये पूछ पाओगे लोगों को, मतलब वो कैलकुलेशन कर पाओगे। सो अभी दिख रहा है निफ्टी, आप अगर 21,800 की पुट बाई करोगे, कॉल भी बाई किया था, पुट भी बाई किया था, और निफ्टी नीचे आ गया, आपकी प्रॉफिट शुरू कहाँ से होने वाली है, 21,855 माइनस 55, मतलब 21,755। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, क्या बोलेंगे, इन बिटवीन 21,745 एंड 22,255, इतनी लंबा रेंज पे, इतनी लंबा रेंज पे, कितनी लंबा रेंज, मोटा मोटी आप मान लो 510 पॉइंट के आसपास की कुछ रेंज मिलेगा शायद। इस पे आपको 255 पॉइंट, यस 510 पॉइंट के बीच, ये लंबा सा रेंज पे, इन बिटवीन दिस रेंज निफ्टी अगर कहीं पे क्लोज हो गया, बिटवीन 21745 एंड 22255, यू आर गोइंग टू लूज मनी, आप लॉस करोगे। कितनी लॉस करोगे, आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है द प्रीमियम व्हाट एवर यू हैव पेड, यहाँ पे 55, तो ये मैक्सिमम लॉसेस हो सकता है, बट ये लंबा रेंज। इफ निफ्टी गोज बिलो 21,745, एक एक रुपये नीचे गया, आपका एक एक रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर इससे 500 पॉइंट नीचे चला गया, आपको 500 पॉइंट की प्रॉफिट होगा। सो सिमिलरली अगर ऊपर गया, 22,255 के ऊपर गया, एक एक रुपये ऊपर गया, आपका एक एक रुपये की प्रॉफिट होगा। अगर 500 पॉइंट उसके ऊपर और अनदर 500 पॉइंट भाग गया, तो आपको 500 पॉइंट की प्रॉफिट होगा। सो इन अदर हैंड आप ये बोल सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, एंड इफ निफ्टी ट्रेड बिटवीन ए रेंज यू विल बी इन लॉस। ये लॉन्ग स्ट्रैंगल होता है। सो जब लॉन्ग स्ट्रैंगल करोगे, टाइमिंग को देखो, व्हाट द प्रीमियम आई एम गोइंग टू पे वो देखना है, एंड निफ्टी के क्लोजिंग की प्रोबेबिलिटी को देखो कि किस एरिया के ऊपर निफ्टी क्लोज दे सकते हैं या कितनी इस एरिया के नीचे दे सकता है, वहां पे कैलकुलेशन करके देखो मुझे मेरा खुद की इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा या नहीं, तब जाकर स्ट्रैंगल में हाथ डालो, और एल्स आपको वो प्रीमियम एंड ये सारा मैच करके देखना है, जैसे सरकमस्टेंसेस मैंने बताया टेक्निकली भी। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या है, व्हेन वी शॉर्ट ओटीएम कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, दोनों ओटीएम होना चाहिए, एक साथ सेल करेंगे और फिर सेम अंडरलाइंग एंड सेम एक्सपायरी इज कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रैंगल। ओटीएम कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया, हमें लगा मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाएगा, मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत कम है, एंड तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, ओटीएम कॉल को भी शॉर्ट किया, ओटीएम पुट को भी शॉर्ट किया, इसे हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलेंगे। व्हेन मार्केट वोलाटिलिटी इज लेस एंड प्रेडिक्टेबल, कि मोटा मोटी ये रेंज में रहेगा, नॉर्मली वी सेल ओटीएम कॉल ऑप्शन एंड एट द सेम टाइम ओटीएम पुट ऑप्शन टू। वी डू दिस व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग ए बिग मूव इन एनी साइड, नॉर्मली व्हेन एक्सपायरी इज वेरी क्लोज, जब एक्सपायरी बहुत सामने है। अभी हमें क्लियर पिक्चर पता चल गया कि एक्सपायरी सामने है, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा ये, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये मेरा डिमांड है, ये मेरा सप्लाई है, इट इज द बेस्ट टाइम फॉर शॉर्ट स्ट्रैंगल, कब, वेरी नियर टू द एक्सपायरी। अब इस पे टेक्निकल सिनेरियो आप लोग क्या देखोगे, वो टेक्निकल सिनेरियो क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छा चीज ऐसी है, व्हेन प्राइस जेनरेट एन ऑपोजिट ट्रेडिंग सिग्नल आफ्टर ए सिग्निफिकेंट रैली और डिक्लाइन इन फेवर ऑफ ट्रेंड। मैं बोलना क्या चाहता हूं, देन चलो, देन प्राइस नाइदर फॉलो द प्रायर ट्रेंड नॉर इट अपोज द ट्रेंड नॉर इट अपोज द ट्रेंड इन शॉर्ट टर्म। मैं बोलना क्या चाहता हूं, मान लीजिए आपके प्रायर ट्रेंड ऑफ था, आपका प्रायोर ट्रेंड अप था, नाउ अंडरलाइंग मूविंग अप, अभी क्या हो गया, ये जगह में आने के बाद ना ऐसे चलते चलते एक सिग्निफिकेंट रैली हो गया, आपको ये एक सेलिंग सिम्टोम क्रिएट किया, क्या है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट रैली है इन फेवर ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड अप है, प्राइस ऊपर आ रहा है। अब ऐसे में मान लीजिए एक
इवनिंग स्टार बोलते हैं, इस इवनिंग स्टार हो गया, शॉर्ट सीएमओ हो गया, शॉर्ट आईएमओ क्रिएट हो गया, आरएसआई के नेगेटिव डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई किया, समहाउ यहाँ पे आपको कोई टेक्निकली लगा अरे बाबा ये तो टेक्निकल सेल सिग्नल है। आपके वो जितनी सारी प्राइस एक्शन एक्शन की पैटर्न आप लोग जानते हो, कोई सेलिंग पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड मेरा ऑफ है, क्लियर कट ऑफ ट्रेंड है, और एक सेल सिग्नल इमीडिएट यहां पे हो गया। अब क्या होगा शॉर्ट टर्म में ना, शॉर्ट टर्म में 2-4 दिन में प्राइस नाइदर इट विल फॉलो दी प्रायर ट्रेंड, ये फिर ऊपर तेजी से नहीं भागेगा अगले 2-4 दिनों में, नॉर नॉर इट विल अपोज दी ट्रेंड, अपोजिट डायरेक्शन में अभी इसने सेल सिग्नल जनरेट किया तो तेजी से ये नीचे भी जाएगा ऐसा भी नहीं होगा, अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, एंड ये बहुत शॉर्ट टर्म में होता है। एज्यूम द प्रायर ट्रेंड इज डाउन, अभी ये डेली में हो सकता है, आवर्डे में हो सकता है, एज्यूम प्रायर ट्रेंड इज डाउन, प्राइस भी नीचे आ रहा था, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो गया इन द फेवर ऑफ ट्रेंड, अब इस पे सडनली ना एक बाई जनरेट हो गया, ट्रेंड डाउन है सडन एक बाई जनरेट हो गया, अगले बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप अगर वीकली एक्सपायरी में जाओगे 2 या 3 दिन या 1 दिन, 1 और 2 डेज की खेल है, 1 या 2 दिन की खेल है, 1-2 दिन में आप क्या देख रहे हो, इतनी बिगर उतनी मोमेंटम शायद नहीं आएगा, और एल्स आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो टेक्निकली, अरे ये तो टेक्निकली बेवड़ा बन गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, प्रायोर ट्रेंड आपका आप था अभी वीक आप ट्रेंड पे है, और प्रायोर ट्रेंड आपके डाउन ट्रेंड था अभी वीक डाउन ट्रेंड पे खड़ा है, अगर ऐसे होता है ये टेक्निकल सिनेरियो, ऐसे ऐसे बहुत होता है, बहुत टेक्निकल, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल बताया, दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निकल सिनेरियो जहां पे हम लोग शॉर्ट ट्रायंगल कर सकते हैं, दिस इज ओनली वन, ऐसे में हम लोग शॉर्ट ट्रायंगल बनाएंगे एंड शॉर्ट ट्रायंगल की स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे, एज्यूम निफ्टी ट्रेडिंग एट 22,000 एंड इट इज आर्ली इन दी एक्सपायरी व्हेन यू आर डूइंग शॉर्ट ट्रायंगल, आर्ली इन दी एक्सपायरी है, 22,000 पे निफ्टी खड़ा है, अभी क्या करना है, अभी आर्ली इन द एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, फाइंड डेली डिमांड एंड सप्लाई जोन, डेली का डिमांड कहाँ पे अवेलेबल है और डेली की सप्लाई कहाँ पे अवेलेबल है निफ्टी की, एज्यूम आपके जो डिमांड है वो अराउंड 21,700, 300 पॉइंट नीचे डिमांड है फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, और सप्लाई 200 पॉइंट ऊपर है, कौन सी रेंज बिगर है, 300 पॉइंट ये बिगर रेंज है, सो सी द डिस्टेंस, डिमांड इज 300 पॉइंट अवे फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस एंड सप्लाई इज ओनली 200 पॉइंट अवे फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस, हमें किसके साथ जाना है, वो 300 पॉइंट के साथ जाना है, नाउ वी शुड गो फॉर 300 पॉइंट फार अवे कॉल एंड पुट ऑप्शन, मतलब अभी अगर 22,000 है आप 22,300 की कॉल को भी सेल करोगे, 21,700 की पुट को सेल करोगे, दोनों 300 पॉइंट की आउट ऑफ द मनी है। अब अगर एक्सपायरी बहुत सामने 1 या 2 दिन बाकी है, एज्यूम एक्सपायरी इज वेरी नियर, मे बी विद इन नेक्स्ट 1 या 2 दिन में, देन फाइंड सेकेंड आवरली डिमांड और सप्लाई, नॉट द नियरेस्ट डिमांड एंड सप्लाई आवरली चार्ट पे, इस बार आवरली चार्ट पे ढूंढेंगे बट नॉट द नियरेस्ट वन, सेकेंड वन ढूंढिए, नॉट द नियरेस्ट वन, सेकेंड वन ढूंढिए, एज्यूम द डिमांड इज अराउंड 21,850, सॉरी डिमांड इज अराउंड 21,850, 150 पॉइंट नीचे की डिमांड है आवरली चार्ट पे, सेकेंड डिमांड, नॉट द फर्स्ट डिमांड बट द सेकेंड डिमांड, और आपकी जो सप्लाई है सेकेंड सप्लाई है 22,200 पे है, सो 200 पॉइंट अबव नहीं है, अभी आपको 200 पॉइंट ऊपर की कॉल या पुट को शॉर्ट करना है, 1 या 2 दिन बाकी है एक्सपायरी में, कॉल भी शॉर्ट करेंगे पुट भी शॉर्ट करेंगे, बट ऐसे होता है डिमांड सप्लाई के लेवल अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे देन स्ट्रैंगल करना, शॉर्ट स्ट्रैंगल बहुत मुश्किल है। अब एग्जाम्पल ऑफ ए शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या है, मान लीजिए निफ्टी ट्रेडिंग एट 22,000, डिमांड 21,850 में खड़ा है, सप्लाई 22,200 में खड़ा है, 22,200 में सप्लाई खड़ा है, और आप क्या करोगे 22,200 की कॉल शॉर्ट करोगे एंड 21,800 की पुट को भी शॉर्ट करेंगे, लेट मी एज्यूम आपने शॉर्ट किया 22,200 की कॉल एट द रेट ऑफ 55 और 21,800 की पुट शॉर्ट किया 40 रुपी पे, आप अगर सेल करोगे ऑप्शन तो क्या होता है,
यू विल रिसीव द प्रीमियम, आप प्रीमियम रिसीव करोगे, आप प्रीमियम रिसीव करोगे। एंड नेट प्रीमियम रिसीव क्या हो गया, 55 + 40 = 95, ये आपका नेट प्रीमियम रिसीव हो गया। 95 रुपये आपके जेब में आ गया। अभी मान लो निफ्टी ऊपर जा रहा है, आपने सेल किया, तो निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो आपका लॉस होने की चांसेस है, बट ब्रेक इवन कहां पे होगा, कितनी दूर जाने तक आप सेफ हो, आपका लॉस नहीं होगा। आप अगर ऑप्शन में कॉल बाई करोगे या सेल करोगे, ब्रेक इवन जो होता है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। अब यहाँ पे प्रीमियम आपने रिसीव किया, स्ट्राइक प्राइस था 22,200, 95 रुपये की प्रीमियम रिसीव किया, कॉल ऊपर जा रहा था, कॉल भागेगा, कॉल की प्राइस बढ़ेगा, बट पुट का प्राइस 0 हो जाएगा। सो पुट आपको पैसा देने वाला है, कॉल आपसे पैसा लेने वाले हैं, बट आपके जेब में अभी 95 रुपये है। सो 95 रुपये आप अगर दे दोगे, आपके घर से नहीं गए क्योंकि वो पहले से आपने ले लिया था। सो आपके जो ब्रेक इवन होगा 22,200 + 95, क्यों, एक्सपायरी के दिन में सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, आप कर पाओगे। अगर नहीं जानते हो, मैं कभी एक और एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोग सीखोगे, बट उसके लिए आप लोग कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट कीजिए कि मुझे ऑप्शन के क्या चीज आप लोगों को सीखना है। देन ओनली आई विल टीच, एल्स ऐसे जस्ट एडवांस स्ट्रैटेजी ये चलता रहेगा। आई बिलीव कि जो स्ट्रैटेजी व्हाट एवर आई एम डिस्कसिंग हियर, जो इनसाइट मैं दे रहा हूँ, आपको पेड क्लास में नहीं मिलेगा। एंड हाँ, ये क्लास आप तभी समझ पाओगे, आपको अगर ब्रेक इवन समझता है, आप अगर टाइम वैल्यू समझते हो, कॉल क्या है, पुट क्या है, कब ट्रेडिंग करते हो, वो अगर समझते हो, देन ओनली आप ये कर पाओगे। धीरे धीरे अगर नहीं जानते हो, वेट कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, धीरे धीरे वो भी सिखाएंगे। सो आप साइड में हाउ लॉन्ग यू आर सेफ, टिल 22,295 आप सेफ हो, टिल 22,295 आप सेफ हो। और अगर निफ्टी नीचे गया तो, इफ निफ्टी फॉल डाउन, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन माइनस प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम रिसीव किया, सो 21,800 आपने सेल किया था, 95 रुपये प्रीमियम आपने जेब में भर लिया। सो माइनस कर दीजिए 21,705, आप नीचे 21,705 तक सेफ हो। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, यू विल मेक प्रॉफिट इफ निफ्टी एक्सपायर बिटवीन 21,705 to 22,295 रेंज, लंबा सा रेंज पे। सो एक दो दिन में अगर ये सिनारियो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, मेरा डिमांड कहाँ पे और सप्लाई कहाँ पे है, सप्लाई की ऊपर वाला कॉल सेल करो, डिमांड की नीचे वाला पुट सेल करो, यू आर डन। दिस इज दिस शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी, एक लंबा सा रेंज पे यू विल बी सेफ, एक लंबा सा रेंज पे आप सेफ हो। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी हो सकते हैं, ओनली 95 रुपी दी प्रीमियम यू हैव रिसीव्ड। बट बाई चांस आप मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट से 500 पॉइंट निफ्टी नीचे गया, ऊपर भाग गया, लॉस आपका अनलिमिटेड होगा। आई होप आई हैव मेक इट क्लियर। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों के जो कोई भी सवाल होगा आई विल आंसर आपके कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।